शिंदे गट को शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम शिवसेना चिन्ह देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद सभी ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि जो सोचा था वही हुआ, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर चलता है। जैसा सोचा था, जैसी चर्चा थी, वैसा ही हुआ। मानो इलेक्शन कमीशन मनकवड़ी हो गई है और केंद्र सरकार की अपेक्षा क्या है उसके मुताबिक निर्णय दे रही है। ये शंकाएं पहले भी उपस्थित हुई थी, लेकिन बात कुछ और है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अपना निर्णय देगा, और उस वक्त शिंदे फैक्शन के लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते तो सिंबल तो रहेगा, नाम भी रहेगा, लेकिन कोई विधायक और सांसद नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य की कार्यकारिणी और शिवसेना की शाखाएं, ये तो उद्धव ठाकरे जी के साथ में है। फिर इन्होंने जो कार्यकारिणी बाद में बनाई है उसकी मान्यता कैसे, वो कैसी मान्यता हो सकती है? तो संगठन उद्धव जी के पास, नाम और सिंबल शिंदे के पास, लेकिन विधायक और सांसद नहीं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। और ये एक गलत संकेत सामने जाएगा। संविधान की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है, लोकतंत्र पे वार होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें ऐसा अपेक्षित था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अगर चुनाव आयोग कोई निर्णय करता तो वो ज्यादा अच्छा होता।